Hello student, in this video we will discuss about the division of Himalaya on the basis of the river valley from chapter number 2, Physical Features of India. Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. Longitudinal division के अलावा भी हिमालयास को हम अलग अलग रीजन के हिसाब से बांट सकते हैं वेस्ट से ईस्ट तक. These divisions have been demarcated by the river valley, और इसको river valley के हिसाब से हमने बांटा हुआ है. For example, the part of Himalaya lying between the Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. हिमालय का वो पार्ट जो कि इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है, उस पार्ट को हम पंजाब हिमालय के नाम से कहते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय. लेकिन इसको रीजनली हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय. हिमालय का जो भी पार्ट सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है, उस पार्ट को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है. द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्क्रेट द नेपाल हिमालय. काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है. एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय. और जो भी एरिया जो है तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में लाई करता है, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है. द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. हिमालय के अगर बिल्कुल ईस्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको आपको ब्रह्मपुत्र दिखेगा. और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र है. बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली. दिहांग गॉर्ज के बियॉन्ड जाते हिमालयाज जो है साउथ की तरफ बेंड शार्पली टू द साउथ. हिमालयाज जो है साउथ की तरफ बेंड करते हुए क्या करते हैं, स्प्रेड्स अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. इंडिया की जो ईस्ट बाउंड्री है वहाँ तक पूरा फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, गॉर्ज का मतलब होता है कि जब कोई भी दो माउंटेन्स के बीच में कोई वैली बनती है और उस वैली को कट करते हुए कोई रिवर बहती है तो वो गॉर्ज बनाती हुई निकलती है. दे आर नोन एज पूर्वांचल. इन्हें हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये ईस्ट में है इसीलिए पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या ईस्टर्न हिल्स भी इन्हें कहा जाता है. दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. और यहाँ पर जो हिल्स हैं वो इंडिया के जितने भी नॉर्थ ईस्ट साइड में, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है. ज़्यादातर ये जो बना हुआ है वो सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है. कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट. यहाँ के जंगल बहुत ही घने घने हैं. दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस इन वैली. और यहाँ पे लाइन से आपको बहुत सारी वैलीज, घाटियाँ देखने को मिलेंगी. द पूर्वांचल कंप्राइजेस दी पटकई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड द मिजो हिल. और जो पूर्वांचल है वहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं जिसमें कि ये कुछ मेन हिल्स के नाम दिए हैं, पटकई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल. आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन. थैंक यू.